उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर लोगों ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गुस्साए लोगों ने जुलूस निकालते हुए जबरदस्त नारेबाजी की और हत्यारों को फांसी पलटकाए जाने की मांग की है। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम होते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहीं जाम के दौरान नेशनल हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम खुलवाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाने के प्रयास किए गए। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाने में सफल रही। वहीं जाम खुलते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। आज पूरे समूचे दोगी पट्टी के क्षेत्रवासियों ने गुलर में जाकर के एक चक्का जाम का जो ऐलान किया था वो पूरा सही ढंग से हमने जो चक्का जाम किया और एक घंटे तक चक्का जाम चलाया। इसमें अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई थी, हमारी मांग की हत्यारों को जब तक फांसी नहीं होती तब तक हम चैन के बैठे ही नहीं। और हमने जो अभी तो ये अंगड़ाई हुई जिसको बोलते हैं अभी हमने बुलेट गाड़ी में, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी अगर उनको हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी नहीं दी जाए तो पूरा क्षेत्र में उत्तराखंड में जो घर से जो आंदोलन शुरू होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी जो हमारे शासन प्रशासन की होगी। आप शासन प्रशासन के कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे देने से कुछ नहीं होता जब तक इन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम आगे नहीं आएंगे। बच्चों को बाहर भेजने से पहले कतराते हैं कि हमारे बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं है,